नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लामी 24। मैं हूं जिला विरोचक वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, झाझा अंचल में आज और कल दो दिन विशेष शिविर लगाया गया है। किसी भी जनता को अगर जमीन से संबंधित, जमाबंदी से संबंधित कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो यहां आकर सुधार करवा सकती है। जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तमाम ज़मीनें ऑनलाइन हो रही, जिस तरह से जमाबंदी रैयत का नाम, अगर किसी भी प्रकार का ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी तो निश्चित रूप से जमीन का विवाद कम हो पाएगा। राजस्व अधिकारी सदानंद कुमार ने मुझे बताया कि सरकार की एक महती योजना है, इसी योजना को हम लोग अमली जामा पहनाने में लगे हुए हैं। आज सबसे ज़्यादा अगर कोई विवाद का जड़ है तो वो जमीन ही है। जमीन से संबंधित हजारों मुकदमा आज अदालतों में लंबित पड़ी। ऐसे में अगर इस तरह से जब टोटल जमीन ऑनलाइन हो जाएंगी, अगर किसी को कोई जमाबंदी में दिक्कत होगी, अगर सुधार हो जाएगी, तो निश्चित रूप से अदालत में भी मुकदमों की संख्या कम हो पाएगी। फिर एक बार अपील करना चाहेंगे हम अपने चैनल के माध्यम से कि अगर आप लोगों को भी किसी प्रकार का जमाबंदी में या फिर कवाला में या फिर रैयत में या फिर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो निश्चित रूप से अंचल कार्यालय आएँ और राजस्व अधिकारी, साथ ही साथ जो अंचल निरीक्षक है, जो अंचल अधिकारी, तमाम जो संबंधित विभाग के लोग हैं, उनसे अपनी शिकायत दर्ज कराएँ। आज टोटल ऑनलाइन होगा। सबसे बड़ी बात एक और बताना चाहता हूँ आपको, सदानंद कुमार जो राजस्व अधिकारी, उन्होंने कहा अगर जनता नहीं भी आएगी तो हम लोग सबता उसके रजिस्टर 2 से लेते हुए उसको हम लोग खुद ऑनलाइन करने का प्रयास करेंगे। लगभग हम लोग ऑनलाइन करेंगे भी। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। हमारे साथ राजस्व अधिकारी जुड़ रहे, सदानंद कुमार। जिस तरह से आज डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आज क्या क्या आपके प्रखंड में हुआ? यहाँ पर एक्चुअली राजस्व और भूमि सुधार विभाग का एक नोटिफिकेशन निकला था और उसमें बोला गया था कि मूलतः जो भी हमारे पास जमाबंदी ऑनलाइन है उसमें कुछ भी अगर त्रुटि है, जैसे किसी का रकबा छूटा हुआ है, किसी का खाता नंबर, खेसारा नंबर, या उसमें जमाबंदी रैयत के नाम में भी अगर त्रुटि है, या इसके अलावा लगान अपडेट नहीं है कि अगर ऑनलाइन वाले में अद्यतन नहीं है कि जैसे 2019-20 तक जमा किया गया या कब तक जमा किया गया, तो इसके रिलेटेड जितने भी परिमार्जन पोर्टल से भी हमारे पास आते हैं आवेदन कि इसको अद्यतन किया जाए, तो हम लोग जमाबंदी पंजी जो कर्मचारी के पास रहता है उसको देखकर वो रिपोर्ट करते हैं और उसके थ्रू परिमार्जन के थ्रू अपडेट होता था ऑनलाइन। यही काम विशेष शिविर के थ्रू डीएम सर के आदेश से अभी हो रहा है, आज और कल, और इसके आगे भी स्वतः हमको प्रिंट लेकर जितने भी जमाबंदी अभी ऑफलाइन में है उनको ऑनलाइन सुधार करने का बोला गया है ताकि ऑनलाइन उपलब्धता बनी रहे रैयत को। और दूसरी बात है, इससे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, कभी भी ऑनलाइन जमाबंदी में छेड़छाड़ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है, लगान अपडेट जब हो जाएगा उनके सेक्शंस में तो वो लगान जो है ऑनलाइन हमेशा कटाते रहेंगे, तो इससे रैयत को सुविधा मिलेगी। है जिस तरह से जमीन का विवाद है, सबसे ज़्यादा अदालत में हो जाए, थाने में आप जमीन का विवाद है, तो इस तरह से कहीं न कहीं जमीन में जो सुधार होगा, जो ऑनलाइन सब हो जाएगा, तो विवाद भी खत्म होने या कम होने के आसार नज़र आते हैं इसमें। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। अगर जमाबंदी हमारा अद्यतन रहेगा और हर कोई अपने कंप्यूटर में अपना क्षेत्र का, अपना मौजा का अगर जमाबंदी देख पा रहा है, तो निश्चित रूप से एक ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी। और दूसरी बात, ऑनलाइन जितना बढ़ावा मिलेगा कहीं ना कहीं वो चीज़ पूरे क्षेत्र में हर कोई देख सकता है, विवाद भी कम होगा। एक सरकार के लेवल से जो ट्रांसपेरेंसी रहती है, कर्मचारी का कभी कभी देखा जाता है कि कोई अलग तरह से बिहेव कर लेते हैं या ये शिकायतें जो आती है वो भी कम होगा। तो ये पूरी तरह बिहार सरकार का एक होलिस्टिक उद्देश्य है कि आप ऑनलाइन को बढ़ावा दें। इस तरह जिस तरह आपने देखा है कि परिमार्जन हो चाहे जो भी दाखिल खारिज हो, ऑनलाइन को बढ़ावा दिया जा रहा है और एक लिमिट डे में, क्योंकि ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है कि आपको 60 दिन में करने हैं, तो आप लिमिट इवन ऑब्जेक्शन आने के बाद भी, तो इससे क्या होता है एक फिक्स डे में जनता को सेवा मिल जाता है। इसकी अंतिम तारीख कब तक है? अभी तो शिविर जो है विशेष रूप से 2 दिन बताया गया है, आज चला शिविर। कई आवेदक ने आराम से इसको त्रुटि निराकरण, मतलब वहीं पर आए और उनके साथ ही DO मिलके इनको त्रुटि निराकरण हो गया। अभी ये शिविर कल भी चलेगा और आपके थ्रू भी आशा करते हैं कि आप लोग भी जनता को अवेयर करेंगे इस शिविर के थ्रू, और कल हमारे हिसाब से कल तक चलेगा। और इसके बाद भी जो इवन जनता नहीं भी आ पाएंगे, हमारे 84,000 जमाबंदी झाझा में हैं, तो हम उनको प्रिंट निकाल के कर्मचारी से एक एक वेरीफाई करवा रहे हैं फिजिकली,
और उसके बाद उनसे साइन करवा के हम स्वतः ऑनलाइन करने के दिशा में काम कर रहे हैं। आज लगभग कितने लोग आए होंगे? आवेदक के रूप में निश्चित रूप से आना थोड़ा मतलब 10-15 हुआ है। हम कुछ और उम्मीद करते हैं कि कल और ज़्यादा आए, क्योंकि आप भी अवेयरनेस फैला रहे हैं, हम क्षेत्र में भी कहलवा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी कर्मचारी ने दिन भर इन्होंने एटलीस्ट 200-250 प्रिंट आउट निकाला है और उसको मूल जमाबंदी से मिलान किया है जो उनकी पंजी से था, और उसको DEO ने अपडेट किया है। तो कहीं ना कहीं आवेदक कम भी आए, हम स्वतः ऑनलाइन करने की गति में आगे बढ़ें।